कुछ सियासी सरगर्मियों की, जहां पर खिताब चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर वादी में यके बाद दीगर रैलियां हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला या कीचड़ उछालने का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। इन सभी प्रोग्राम्स के बीच में अब तक का 5 अगस्त 2019 के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा जलसा ये माना जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की तस्वीरें आपके सामने, सुंजवा के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, लेकिन यके बाद दीगर ताबड़तोड़ हमले पीडीपी सदर की जानिब से कल हिजब इख्तलाफ पर किए गए, बिलखसूस बीजेपी उनके निशाने पर हमेशा की तरह रही और कल भी एक बार उन्होंने फिर कहा कि मुल्क की हुकूमत के लिए जम्मू कश्मीर एक फैक्ट्री बन गया है, जहां पर हर तरह का किसी भी लैब के अंदर कोई टेस्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से यहां पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार कोई भी तजुर्बा करके आज के वक्त में आवाम को बंदूक के दम पर भी परेशान कर रही है। इल्जामात बहुत संगीन थे और बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक बात जो मुबस्सरीन की जिस पर ज्यादा नजर है वो ये कि उनकी तरफ से इल्जामात कल काफी ज्यादा लगाए गए और उनने ये यहां तक भी कहा कि लद्दाख के अंदर 5 अगस्त के बाद एक कोशिश हुई, तमाम जमातें एक साथ रहीं बिला किसी मजहब मिल्लत के, तमाम लोग, तमाम जो उनके बीच में किसी तरह का अगर खलीज था उसको खत्म करके एक साथ आए तो हुकूक की बहाली मुमकिन हो सकी है। इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासी जमातें जब एक साथ आई हैं, वो बीजेपी को या सरकार को वो कह रही हैं कि उन्हें तो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इस तर्ज पर अगर काम शुरू होता है तो वो दिन दूर नहीं कि जब जम्मू कश्मीर को के आवाम को हुकूक बहाल करने के लिए सरकार हाथ जोड़कर उसी तरीके से मजबूर होगी जैसे किसानों के सामने वज़ीर आज़म आए थे। महबूबा मुफ्ती के बकौल उनकी स्पीच का एक हिस्सा आप तक पहुंचाते हैं और इस पर मजीद बात करेंगे। कि जब इंशाल्लाह सरकार बनेगी ये जो तमाम कॉलोनीज हैं इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इनके हाथ में ये डंडा कभी ना आए जिसकी वजह से हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये बांटना चाहते हैं आप लोगों को। मैं जम्मू के नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि जब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा तब तक यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मुझे बताइए कितने कारखाने लगे 2019 के बाद, कितनी नौकरियां मिली? कुछ भी नहीं। क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा भुखमरी में हम नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे, वो पाकिस्तान जो कब्जे में जी रहा है इस वक्त। तो मेरा ये कहने का मकसद है आप गुजर और पहाड़ियों की लड़ाई की जा रही है। मैंने हमने कल पीएचडी में भी कहा कि हम उनको अपील करते हैं आप दोनों कौमें इकट्ठे बैठ के आपस में मिलजुल के फैसला करो, इनकी झगड़े का इनके झगड़े में मत आओ। मैं ये बताना चाहती हूं मैंने देखा कि नफरतों की इनकी हद नहीं है, इन्होंने दरबार मुंह बंद कर दिया। कभी कहते इतने लोग आ, फिर कहते नहीं अब इतने आ। मकसद क्या है? मकसद ये है जो कश्मीरी और डोगरा आपस में मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के घर में खाते हैं, पीते हैं, दुकानों से सामान खरीदते हैं, ये उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। आज जम्मू का दुकानदार रो रहा है क्योंकि जो कश्मीरी 6 महीने कमाता था सर्दियों में जम्मू आके खर्च करता था, आज तो वो भी कंगाल है, कश्मीरी वो भी कंगाल है और उसको यहाँ आने का बहाना भी उन्होंने खत्म कर लिया। मैंने एक बार एक जम्मू के दुकानदार से कहा, मैंने कहा आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कहा क्या करेंगे, ये देशद्रोही बुलाते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये देशद्रोही बुलाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जिस तरह लेह और कारगिल के लोग इकट्ठे हो गए, उनको सारे हुकूक मिल गए, उनकी जमीन बाहर वाला नहीं खरीद सकता, उनकी नौकरियां बाहर वालों को नहीं मिल सकती, अगर जम्मू और कश्मीर के लोग खासकर नौजवान तबका इकट्ठा हो जाए तो ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी नौकरियां हो, हमारी जमीन हो, हमारी जायदाद हो, हमारा 370 हो, हमारा 35 हो, सब कुछ इनको वापस करना पड़ेगा माफी के साथ, जिस तरह इनने किसानों के लिए किया उसी तरह हमारे साथ। साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। जनाब तेवर काफ़ी सख्त है, पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू के अंदर एक के बाद एक मीटिंग हो रही है और कल माना जा रहा कि यूथ कन्वेंशन था और सबसे बड़ा पीडीपी का जलसा जम्मू के अंदर जो है वो कल देखने को मिला। लेकिन कल इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान
मैडम महबूबा ने एक और बात भी बताई और कहा कि देखिए जनरल जिया के दौर में और आज के दौर में कोई फर्क नहीं है, और कहा कि जिस तरीके से वहाँ अकलियतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था और बनाया जा रहा है, वही सूरत हाल आज यहाँ पर भी है। लेकिन वहाँ के वज़ीर आज़म इमरान खान की जुर्रत तो है कि अगर कोई मारा गया तो उसके बाद वो कौम के सामने आकर माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि यहाँ पर मारने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो मरवाने वाला होता है, जो तमाशा देखता है, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते हैं। तो ताबड़तोड़ हमले कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से किए गए, जिसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया गया और कहा गया कि ज़मीन खिसकती हुई देखते हुए पीएचडी भी अब परेशान है और जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, ये जम्मू के लिए नवीद है, खुशी है, लेकिन ये कुछ लीडरों को पचपा नहीं पा रहा है, वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल सियासत काफी ज्यादा गर्म है।